हाय, क्या आप प्लास्टिक वेस्ट पर वोक कर सकते हैं? सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन इस आदमी ने इसे प्रूफ करके दिखाया है। आइए देखते हैं कैसे इंडिया में रोजाना 24 घंटे में ऑलमोस्ट 30,000 टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है और उसका आधा भी हम रिसाइकल नहीं कर पाते। प्लास्टिक हमें कचरे के रूप में अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है, जैसे पार्क्स में, रोड के किनारों पर, समुंदर के किनारों पर, समुंदर के अंदर भी। सिंगल टाइम यूज होने वाला प्लास्टिक आज एक बहुत गंभीर समस्या है और इसी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी उठाई है पारस सुलेजा ने। कैसे? ये प्लास्टिक के टाइल्स बनाकर। पारस सुलेजा को बचपन से ही OCD था, विच मीन्स ही कुड नॉट हैंडल क्लटर, और इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कुछ अविश्वसनीय कर दिखाया। तो मैं वियतनाम ट्रिप पे गया हुआ था, तो वहाँ पे हनोई में था मैं, तो देर इज अ स्ट्रीट मार्केट। सो स्ट्रीट मार्केट है तो लॉट ऑफ वेस्ट जनरेशन, प्लास्टिक वेस्ट एंड वेट वेस्ट, हर चीज तरीके का वेस्ट था। बट नेक्स्ट डे वहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं था, नॉट इवन अ हिंट ऑफ एनीथिंग। सो ये एक आइडिया वहाँ से क्लिक हुआ कि वियतनाम के लोग इतने सेंसिटिव हैं अगर गार्बेज को लेके, तो हमारी कंट्री में हम क्यों नहीं हो सकते? एज अ इंडियन वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन आवर कंट्री। पारस वापस आकर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो प्लास्टिक वेस्ट से बना हो, और कई दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने फाइनली प्लास्टिक फुटपाथ टाइल को इन्वेंट किया। मजे की बात यह है कि इन टाइल्स को आप पार्क्स में, फुटपाथ पर, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी लगा सकते हैं। ये टाइल मजबूत हैं, अनब्रेकेबल हैं और हीट रेजिस्टेंट हैं और काफी आसानी से इंस्टॉल भी हो जाती हैं। आपको सिर्फ ये करना है। इन टाइल्स की सबसे खास बात यह है कि अगर इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद ये खराब भी हो जाए तो इन टाइल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, नई टाइल्स बनाकर इन्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक टाइल्स रेगुलर कंक्रीट टाइल से काफी बेहतर है। अभी तक पारस सुलेजा ने 340 टन प्लास्टिक का यूज करके टाइल्स बनाए हैं। जरा सोचिए, रेगुलर कंक्रीट टाइल्स को अगर प्लास्टिक टाइल्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट इस्तेमाल हो सकता है और फुटपाथ भी बन जाएंगे। तो हम लोगों का विजन ये है कि प्लास्टिक वेस्ट को हम कैसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और रॉ मटेरियल यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकेंगे। जैसे ओपन डेफिकेशन का इतना कंट्री में हमारा प्रॉब्लम है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, तो हम उससे डस्टबिन बना सकते हैं और हम उससे वॉकवेज और पेवर टाइल्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुँच सके और किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत हो सके। फिर क्या पता आपके घर के पास कोई फुटपाथ प्लास्टिक वेस्ट से बना हो। आई ट्रूली बिलीव इट्स नॉट द माइंड बट द विल टू मेक द चेंज, एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड वर्क टुवार्ड्स इट। दोस्तों, पारस सुलेजा जैसे लोग लाइव एग्जांपल हैं इस चीज़ का। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या हम प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर चल सकते हैं? एंड आई एम श्योर दिस टाइम योर आंसर विल बी यस।